सलामकुम जी, आज यमुना मिलने आई हैं और हाल ही में कराची से एक दिन का ट्रिप लगा के आई हैं। तो इन्होंने बताया कि कराची बहुत ही घटिया तरीके से गंदा है जी। इन्होंने कहा आज तक गंदा शहर उन्होंने नहीं देखा पाकिस्तान में जी। यमुना बताएं। मैंने यही कहा कि अभी तक मैंने जितनी ट्रैवलिंग की है, मैं काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग कर चुकी हूँ। जितना गंदा मुझे कराची लगा है, आज तक कोई और शहर इतना गंदा नहीं लगा। लाइक मेरी जहाँ से मैं रुकी, जहाँ मेरा स्टे था, वहाँ से मैंने जिस एरिया में जाना था वो 40-45 मिनट्स का रास्ता था, और उसके दो डिफेंस से आपने साइड साइड चला एरिया पे जाना था तो तकरीबन 40-45 मिनट लग गए थे। तो उस इतने से रास्ते में मैंने कोई 3 दफ़ा गाड़ी रुकवाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई थी कि मैं जब भी शीशे से बाहर नज़र पा रही थी तो गंद ही गंद हर जगह के ऊपर। लाइक अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में चले हम लोग उस तरह से नहीं आते कि इसमें ये मसला ये मसला है, तो कम से कम सफाई तो है ना। कुछ एरियाज़ हैं वहाँ थोड़े गंदे हैं, लेकिन एंट्रेंस इसकी इतनी गंदी है, थोड़ी इतनी ज़्यादा साफ़ नहीं है। तो मैंने आके मेरे दोस्तों से बात हो रही यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने पूछा कराची कैसा है, तो मैंने आकर उनको यही बताया। मैंने कहा वो एक दोस्त है, वो शदरे का है। मैंने कहा जैसा तुम्हारा शदर है ना, समझो तुम ऐसा पूरे का पूरा कराची है। लेकिन कराची मैं तो उसकी कोई एक जगह भी साफ़ नहीं देखी है, वहाँ पर इतना गंद है जगह जगह पर आप जा रहे हो, और ये सीन है बस। तो क्या करना चाहिए कराची वालों को? सफाई करनी चाहिए एटलीस्ट, सफाई तो अच्छा वहाँ पे। एक तो ये चीज़ भी थी कि जैसे लाहौर में थोड़े गाड़ियाँ नहीं हैं, बाइक्स गाड़ियाँ थोड़ी बेहतर सिचुएशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे इतनी आबादी है और गाड़ियाँ वाड़ियाँ वो भी बहुत पुराने बहुत पुरानी है, लेकिन उनके धुएँ निकल रहे हैं पीछे से, उनकी कोई हालत ही बेहतर कर लो भाई। रोड गुर्बत का लेवल थोड़ा ज़्यादा मुझे तो वहाँ पर लिखा है, जो दिखा मुझे, क्योंकि मुझे इंटरनल उसकी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पता, लेकिन जो दिखा वो ऐसे ही दिखा कि यहाँ पर ज़्यादा गुर्बत है। तो शायद गुर्बत इसलिए भी हाईलाइट हो रही थी क्योंकि हर चीज़ गंदी पड़ी हुई थी। जब आप गंदी होती है तो हर चीज़ को आप गंदी 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 आपके नज़रों में वो गंद गंद जो है ना वो भी बस नज़र आ रहा होता है। तो उसको थोड़ा साफ़ कर लें एटलीस्ट, अपने मोहल्ले को छोटा छोटा छोटे छोटे लेवल पे अपने मोहल्ले को साफ़ करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक चीज़ें जो है बेहतर हो जाएंगी।